नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक भक्त ने भगवान से एक वरदान मांगा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जीवन में कभी कोई अभाव ना हो। तो प्रभु ने वरदान दिया, परिश्रमी भव। भक्त ने कहा, ये कैसा वरदान हुआ? भगवान ने कहा, यही वो वरदान है जिससे कभी तेरे जीवन में कोई अभाव नहीं होगा। कितनी सुंदर सी बात है ना मित्रों। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो संपन्न रहता है, सफल होता है, भाग्य के द्वार जैसे उसके लिए खुल जाते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो कामयाबी के दरवाजे को खोल सकती है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन जो हमें लक्ष्य तक ले जाता है वह है निरंतर प्रयास करना। इस उपलब्ध समय का उपयोग करके लक्ष्य की ओर काम करना बुद्धिमत्ता का लक्षण है। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि कभी कभी मेहनत से तत्काल परिणाम नहीं मिलते हैं। धैर्य रखने और इस सच्चाई को समझने से कि कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता, और खुद पर और परमात्मा पर विश्वास रखने से सफलता के द्वार एक दिन जरूर खुलेंगे। तो परिश्रमी भाव का सुंदर वरदान ईश्वर से लेकर और अच्छा परिश्रम करते हुए हम आगे से आगे जीवन में बढ़े, क्योंकि श्रम करने के बहुत लाभ तो हैं ही, लेकिन एक सुंदर लाभ ये भी कि उससे नींद हमें बहुत अच्छी आती है, सुकून की नींद आती है। आजकल ये भी तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है ना कि छोटी छोटी बातें हमारी नींद को छीन लेती हैं। मन में यदि व्यर्थ चल रहा है, कल क्या होगा उसकी चिंता है, कल क्या हो गया उसकी बात है मन में, भारी हो रहे हैं हम, किसी ने कुछ कह दिया, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कई प्रकार के जो दबाव और परिवर्तन है, अनेक प्रकार की बातें हैं जो हमारे सुकून और नींद को छीन लेते हैं। लेकिन चाहना हमारी यही होती है कि हम एक बहुत अच्छी सुकून भरी नींद लें। तो क्या कारण है कि ये नींद छिन जाती है, और कैसे हम सुकून भरी नींद ले सकते हैं, उसी पर आपकी सेहत आपके हाथ में आज सुंदर बात। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वस्थ रहने के लिए नींद बहुत आवश्यक है। जैसे स्वस्थ रहने के लिए भोजन बहुत आवश्यक है, ऐसे नींद भी बहुत आवश्यक है। और आज की ट्रेजडी मॉडर्न टाइम्स की यही है कि हम नींद प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पाते हैं, या प्रॉपर नींद नहीं कर पाते हैं। कई लोग समय पर सोने जाते हैं, 10 बजे सोने जाते हैं, फिर भी उनको नींद 12-1 बजे आती है। और काफ़ी लोग तो लेट बहुत आते हैं ऑफिस से या घर से, एक वर्किंग प्लेस से, और घर में आ करके वो सोने 2 बजे जाते हैं और सुबह 10 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। तो दोस्तों, इससे बहुत सारी समस्याएं आज देखने में आ रही हैं। और एक जो सबसे बड़ा आज जो जिसके लिए आज समाज में बहुत ही अवेयरनेस आ गई कि अपने वेट को कम रखें, क्योंकि तो वेट गेन का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ स्लीप। अगर हम नींद अच्छी नहीं करते, हमें वेट बढ़ता है, हमारे अंदर से जो है हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल में डिस्टर्बेंस आती है, हमें ब्लड प्रेशर होता है, और इससे क्या होता है, जो हमारे एपेटाइट अंदर से जो फैक्टर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, हमारे जो एपेटाइट, जो हमारे जो रिवार्ड सेंटर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस, जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, लंग्स की प्रॉब्लम्स, जैसे आजकल जो बहुत एक डिजीज़ देखने वाली है ओशा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, रात को जैसे बीच में स्नोरिंग होती रहती है और रात में सांस रुक जाता है, और उससे भी आज तक बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, नींद हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए सोने के पहले आप वेंटिलेशन कर लें, एक लेटर लिख दें परमात्मा के नाम, उसमें अपने सारे मन की टेंशन, शरीर की प्रॉब्लम्स, परिवार की समस्याएं, और वो अपने जो बिजनेस में या काम में आपको कुछ प्रॉब्लम्स वो लिख दें, साइन करके परमात्मा को सरेंडर कर दें, और 2 मिनट मेडिटेशन करके सो जाएं, तो आप देखेंगे आप 10 बजे सोने जाएंगे, 10:02 पे आपको नींद आ जाएगी, और आप फ्रेश सुबह 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे उठ जाएंगे, और फिर सारा दिन आप फ्रेश रहेंगे, और आपकी फूड चॉइसेस भी हेल्दी फूड चॉइसेस होंगी। ये देखने में जो नींद प्रॉपर नहीं करते उनकी हेल्दी फूड चॉइसेस नहीं होती, अनहेल्दी फूड चॉइसेस, ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं, ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं। तो उस अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें,
खुश रहें, प्रोएक्टिव रहें, प्रोडक्टिव रहें, एफिशिएंट रहें, तो याद रखें अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। ओम शांति। तो आप जीवन के आनंद के साथ साथ नींद का भी भरपूर आनंद लें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए स्पिरिचुअल इंडिया में। आज मैं आपको लिए चलता हूँ उस पवित्रतम स्थल पर, उस पवित्रतम तीर्थ पे, जिसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, जो हिमालय की गोद में है, जहाँ भगवान शिव ने पार्वती जी को अमरत्व के रहस्य बताए थे, ऐसा कहा जाता है, और जहाँ स्वयंभू हिमानी शिवलिंग उसका निर्माण होता है, जहाँ पे 10 फीट कम से कम बर्फ की सुंदर प्रतिमा निर्मित हो जाती है अपने आप, जिसे देखने के लिए लाखों लाखों भक्त प्रतिवर्ष जाते हैं, वो स्थान है अमरनाथ। आइए चलते हैं उस पवित्रतम गुफा में, उस पवित्रतम तीर्थ पर, जहाँ जाकर ही मन पावन हो जाता है। बर्फ की बूंदों के टपकने से अमरनाथ का शिवलिंग बनता है। हालांकि विज्ञान में इसे स्टैलिगमाइट कहा जाता है, लेकिन भक्तों का मानना है कि इस शिवलिंग में शिव की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। निराकार शिव ब्रह्मांड में एकमात्र है जो अमर कथा बता सकते हैं, क्योंकि वह अशरीरी है और इसलिए वह एक ही है जो कभी नहीं मरते। पार्वती मानव आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं से परेशान रहती है और उन्हें अमर कथा सुनने की आवश्यकता होती है। अमर कथा का सार एक वाक्य में कहा जा सकता है कि मैं इस शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ, कई जन्मों में कई शरीरों से गुजरते आ रही हूँ, और शिव से जुड़ना मुझे एक बार फिर से प्रकाश और शक्ति से भर देगा। आत्मा की जागरूकता से मुझे सभी रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य पता चलता है कि मैं कभी नहीं मरती, मैं सिर्फ शरीर बदलती हूँ। पवित्र अमरनाथ के दर्शन करके सचमुच मन कितना सुकून और शांति से भर जाता है, और यही कारण है कि इतने सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। घर बैठे आज हमने सुंदर दर्शन कर लिए और आत्मा को बहुत ही सुकून का अनुभव हुआ। सचमुच ये सारे जो तीर्थ हैं, या हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, या आध्यात्मिक बातें हैं, मन को कितना सुकून और शांति देते हैं, साथ ही हमें जीवन के ध्येय की ओर लिए चलते हैं। ये केवल हजारों लाखों लोगों का नहीं, लेकिन उन विशिष्ट जनों का भी अनुभव होता है जो आज शिखर पर बैठे हुए हैं, कि कैसे उन्हें अध्यात्म ने आगे बढ़ने में मदद किया। आज ऐसा ही सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं डॉक्टर बीपी शर्मा जी। This is my first visit to this place. We only known Mount Abu as a hill station, as a tourist place. My experience of last 2 days here is probably, it should be my on my yearly calendar now. After meeting Dadi Janki ji yesterday, it was a very wonderful experience. Mm. You know, her blessing, probably I will take this time back. Mm. I think Dr. Sinha, today we are all really lucky to have you here, and I think our viewers also has got that vibration from you, that energy from you. Thanks a lot for coming here. Thank you. Thank you very much, Prabhupada. Thanks a lot. सुंदर प्रेरक अनुभव। हम भी अपने लिए ऐसे ही वक्त निकालें, स्वयं को यदि वक्त देते हैं और साथ ही थोड़ा समय ध्यान के लिए निकालते हैं, तो सचमुच मन पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है जो हम करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगा रहे हैं पेड़ों की कटाई से पहले, या फिर बड़े बड़े कार्य करने से पहले। और कैसे हम अपने अंदर, अपने मन में, अपनी बुद्धि में धार लगा सकते हैं, कैसे फोकस्ड हो सकते हैं, यही सुंदर सीख और सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारीज करती हैं, जन जन तक जाकर, स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स में जाकर के। आइए देखते हैं उनकी सुंदर सेवा कार्यों को इस न्यूज हाइलाइट्स में। यूके के लेस्टर में 27 फरवरी को भव्य महाशिवरात्रि कार्यक्रम का आयोजन हुआ,
बीके मंदा ने सभी को महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया। इसीलिए परमात्मा को भोलानाथ कहा जाता है। तो हमारा काम है कि हम परमात्मा को सच्ची दिल से अपने संबंध से याद करें। साथ ही लोगों ने मुख्य आकर्षण के रूप में भारत में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों की भव्य प्रतिकृतियों तथा शिवलिंग के होलोग्राम के दर्शन किए। महाशिवरात्रि के थीम पर मन को लुभाने वाले नृत्य एवं नाटक का प्रस्तुतीकरण हुआ। मैं सिर्फ एक देव आत्मा हूँ, परमात्मा नहीं। मित्रों, कहते हैं किस्मत कितनी भी रोशन हो, मेहनत की आग में जलना जरूरी है। मंजिल कितना भी करीब हो, कुछ कदम चलना जरूरी है। मेहनत के लिए हमने प्रारंभ में ही बात की, और सचमुच ये परिश्रम, ये मेहनत ही है जो हमारी किस्मत को श्रेष्ठ बनाती है, जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। और मंजिल, जैसे कहा, जितनी भी करीब हो, हमें कुछ कदम तो चलना होगा ही होगा ना। तो प्रयास से, पुरुषार्थ से हम कतई नाता ना तोड़ें, कतई उनसे दूर ना हों, कतई उनसे मुख ना मोड़ें। लेकिन जितना कठोर परिश्रम होगा, दिल से परिश्रम होगा, निश्चित रूप से हमारी मंजिल दिनों दिन नज़दीक आती जाएगी और हम सफलता का स्वाद चखते चलेंगे। तो आप सबके लिए मेरी अनंत दुआएं और शुभकामनाएं कि आप जितना परिश्रम करें उनसे हजार गुना मीठा फल आपको प्राप्त हो, सफलता आपके कदम चूमे। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।